एक दूसरे का दर्शन किया तब जाकर के आनंद हुआ। और मेरी टुकड़ी क्योंकि नंद बाबा उस समय गए थे मथुरा, मथुरा में टैक्स जमा करने गए थे और जब गए थे तो वहां उनको मिल गए वसुदेव जी, और वसुदेव जी ने उस समय उनसे बात की। अब दोस्तों थंबनेल टाइटल सामने का पता चल ही गया होगा, हम अभी आ गए हैं जो विष्णु महायज है वहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, हम अंदर में आ गए देख सकते हैं और चलते हैं अंदर दिखाते हैं। चलिए देखने से पहले दोस्तों आप लोग नए हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक इंस्टाग्राम पर है फॉलो कर लीजिएगा और देख सकते हैं अंदर क्या नजारा और देख सकते हैं कितना भीड़ है और परिवर्तन बना था वीडियो हम बना चुका था लाइक वही समय आगे भीड़ नहीं शुरुआत से आज 28 तारीख हो गया है घुमाकर सभी आप लोग ब्लॉग में बने रहे कंटिन्यू पूरा ब्लॉग आप लोग देखिए बाहर से आप लोग हैं आप लोग देख रहे थे मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा आप लोग देख सकते हैं पिछला कैमरा से हम दिखा रहे हैं। अरे आपका घर बड़ा सुंदर तो कहते हैं आप ही का वीडियो हम बना चुकल छी यहाँ पर शुरुआत में अभी देख रहा छे कतेक भीड़ छे पब्लिक अहाँके नजारा दर्शक सब नजर अबै छै पुरुष वाला अहाँके अलग छै आ महिला वाला अलग छै। सब देख सकते हैं हम अंदर में आ गए हैं तो लोग क्या कहेंगे फिर बात घुमा देते हैं। अरे महाराज क्या बताऊं मैं लड़के के पास रहती है चाबी, नहीं तो आपको जरूर दे दिया होता लड़के के पास एक मिनट में चेंज प्रवचन अहाँके सुने के लिए रहल छै कतेक अपना मिथिला मे अबैया लेकिन वसुदेव जी ने कहा देखो मैं भक्त ज्योतिष हूँ हमें नाना प्रकार के उत्पाद दिखाई दे रहे हैं शीघ्रता से आप किसी भी हाल में गोकुल में पहुंच जाइए क्योंकि समय ठीक नहीं चल रहा ये सुन करके शीघ्रता से नंद बाबा गो भगवान बात के साथ अगर रात के शाम के दिन में बहुत भीड़ रहे देखने के लिए लगा के सब आ के रास्ते में विशाल गाय कूदना जो बड़ी जोर आवाज करके गिरी थी भीड़ इकट्ठा हो गई थी अब क्या करें लोग आ जा नहीं सकते। चलो आप लोग सुने तो रहो ऊपर खेल रहा है यशोदा मैया ने यह दृश्य देखा झट से लाला को गोद में उठाया और कहती भगवान इतनी बड़ी राक्षसी लाला इसके ऊपर क्या कर रहा तो लेकर के लाला को घर में चली गई। नंद बाबा इत्यादि बाल बालों ने विचार किया कि इतनी विशाल गाय अब मृत्यु हो गई है मर चुकी है तो अब इनके साथ क्या करे लोगों ने बहुत परिश्रम किया लेकिन हिला भी नहीं सके इतनी विशाल गाय राक्षसी तो फिर ग्वाल वालों ने फरसे से टुकड़े टुकड़े में पूतना को काटा और उसके बाद उसको जलाया गया और जलाने के बाद पूरा गोकुल मथुरा सब बड़ा सुगंधित महक उठा उसके शव उसकी जल रही है लेकिन उसमें जो आभा निकल रही है वो सुगंधि इतनी दिव्य है कि संपूर्ण चारों ओर आभा मंडल बड़ा सुगंधित हो उठा। क्यों क्योंकि जिसको कृष्ण स्पर्श कर ले उसमें ऐसी ही सुगंधि उस जाती है जिसको नंदलाल स्पर्श कर ले उसमें ऐसी ही आभा निकलने लगती है जिसको कृष्ण चुम ले उसको ऐसी ही आभा निकलने लगती है। सुंदर चहु ओर बड़ा सुंदर सुवास सुगंधित वातावरण और मैया लाला को लाई थी ना अब लाला की नजर उतार रही है। देखो माताएं जब बच्चे ज्यादा रोते हैं या कुछ भी देखती हैं इधर उधर तो बात बात पे नजर उतारती रहती है और माँ को लगता है सबसे ज्यादा नजर तो माँ का ही बच्चे को लगता है। माँ बड़ी खुशी से आकर के भगवान की नजर उतारती है कहती है इंद्रियाणि ऋषिकेश भगवान के सुंदर रूप की रक्षा कौन करे वाराह भगवान मेरे लाला के कंठ की रक्षा कौन करे मत्स्य भगवान मेरे लाला के भुजाओं की रक्षा कौन करे दक्षपारूप भगवान लाला के सुंदर शरीर की रक्षा कौन करे नारायण भगवान यानी लाला के ही सुंदर शरीर की जो आज नजर उतारी जा रही है लाला की और वो भी भगवान के नाम से ही उतारी जा रही है। अच्छा भैया ये पूतना कौन थी
ये पूतना कोई और नहीं बल्कि कल आपने बलि चरित्र सुना था ना, जब भगवान आए थे, याद है कि भूल गए? याद है, भगवान ने यही तो कहा था, तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दी झोली। जब भगवान आए थे बलि, उन्हीं की बात हो रही, बामन को बनाकर जब भगवान वहां पहुंचे ना, तो सबसे ज्यादा खुश हुई बलि की बेटिया रत्नमाला। उसने कहा हाँ, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, काश ऐसा मेरा पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। लेकिन जब बाद में भगवान ने छल किया तो रत्नमाला ने सोचा ऐसे बेटे को तो जहर पिला के मार देना चाहिए। और भगवान ने उसकी सारी मनोकामना पूर्ण की। वही रत्नमाला बाद में पूतना बनती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की पूतना बनती है। आगे कथा बढ़ती है, कहते हैं कि माता ने अपने लाला को शकट के नीचे पलना रखकर के सुला दिया। लाला झूल रहे, वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, शकट को निहार रहे थे, और इतने में मैया उत्सव मना रही है घर में। और मैया उत्सव क्या मना रही है? अपने उत्सव में परेशान है, मनाई जा रही है उत्सव। अच्छा, पहले एक बात बता दूं आपको, बात बात में उत्सव होते थे माता भैया, पहले बात बात में उत्सव होते थे, लेकिन आज क्योंकि पहले जो गांव के लोग भी सुन रहे ना कि उनके यहाँ कार्यक्रम है, तो फिर लोगों को इन्विटेशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग हर व्यक्ति अपने गांव में किसी के यहाँ उत्सव पड़े तो लोग उस स्थान पर इकट्ठा हो जाते थे, क्योंकि पहले जमाने में पड़ोसी भी अपने होते थे, पहले जमाने में बाहरी लोग भी अपने होते थे, तो घर के लोग भी पड़ोसी जैसे होते थे। तो लोग आना भी चाहते हैं, बाकी कोई भाव किसी के किसी से मिलते नहीं।